हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी बाइट्स बाय अर्चना। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट ऑरेंज डिलाइट, जो बहुत ही टेस्टी और यमी होता है। इसके लिए मुझे चाहिए है ऑरेंज, और ये फ्रेश ऑरेंज है। ये है अरारूट, ये है पिस्ता, ये है दालचीनी, ये है चीनी, और हम लेंगे थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और इसमें लेंगे केवड़ा एसेंस। हमने ऑरेंजेस को अच्छे से पील करके उनका स्किन और उनके रेसे और उनके बीज हटाकर बिल्कुल फ्रेश पल्प निकाल कर तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह से। और अब इस पल्प को हम एक मिक्सर जार में डालकर अच्छे से इसको पीस कर इसका एक लिक्विड तैयार कर लेंगे। इस तरह से फिर इस लिक्विड को हम छानेंगे। छानने के लिए एक कटोरे में मैंने छलनी लगाई है, और उसमें इस लिक्विड को डालकर चम्मच से चलाते हुए अच्छे से थोड़ी देर तक इसको छानेंगे। इससे इसका पल्प और इसके जो जूस है वो सब अलग अलग हो जाएंगे, और ये बहुत जल्दी और बहुत ईजली हो जाता है। तो इसको मैंने अलग कर लिया है। देखिए अब इस जूस को मैं नाप लूँगी कितना है। ये जितना जूस होगा उसी के मेजरमेंट के हिसाब से सब होगा, तो मैं इसी कटोरी से सारी चीज़ें नापूँगी। मैंने लिया है तो ये एक कटोरी जूस हुआ है। अब इसमें मैं इसी कटोरी से, आप कॉर्नफ्लोर या अरारोट कुछ भी ले सकते हैं, वो लिया है, और आधी कटोरी अरारोट ले करके उसी जूस में मिलाकर अच्छे से उसको मिक्स किया है चलाते हुए, जिससे कि इसमें किसी भी प्रकार की लम्प्स या गुठली ना पड़े। यह आपको ध्यान रखना है। इस तरह से करके देखिए मैंने एक स्मूथ बैटर तैयार कर लिया है। अब गैस पर एक कढ़ाई गरम करके उसमें एक कटोरी पानी डालेंगे, और उसमें डालेंगे एक कटोरी चीनी। पानी हमारा गर्म हो जाए तब फिर हम उसमें चीनी डालेंगे एक कटोरी, और इसकी चाशनी तैयार करनी है। चाशनी तैयार करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको चम्मच से चलाते हुए हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो देखिए चाशनी बन रही है। अब इसमें मैं दो टुकड़े दालचीनी के डाल दूँगी। चाशनी हमारी खोलना स्टार्ट हो चुकी है। इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि अब ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट हुई या नहीं हुई, तो उसके लिए हम हाथ से चेक करेंगे। जब थोड़ा गाढ़ा फील होने लगेगा तब समझ लीजिए चाशनी बन गई है। तो अब मैं इसमें से दालचीनी के टुकड़े हटा दूँगी, और इसमें जो हमने बैटर तैयार किया था ऑरेंज और अरारोट का, उसको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके लगातार चलाते हुए एक अच्छा सा मिक्स तैयार करेंगे। इसको लगातार चलाते रहें। इस समय दोनों हाथों को बिल्कुल अच्छे से साथ साथ चलाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें लम्स या गुठलियाँ पड़ जाएंगी और फिर ये अच्छा नहीं बनेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको काफ़ी देर बड़े अच्छे से पकाना पड़ेगा। अगर इसके पकने में कोई भी कमी रह गई तो इसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इसके अरारोट का जो कच्चापन है वो आपको टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। इस समय पर मैंने इसमें एक चम्मच फ्रूट कलर डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें। बट कलर डालने से इसका थोड़ा सा कलर और अच्छा लगने लगता है, खिल कर आता है। इसको और अभी पकाना पड़ेगा बहुत देर। इस समय पर मैं इसमें 3-4 बूंद एसेंस के डालूंगी, केवड़ा एसेंस जो हमने लिया था। अब इसको इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए काफ़ी देर तक, अभी बहुत ही गाढ़ी कंसिस्टेंसी तक इसे पकाना है। तो आई थिंक अभी इसको कम से कम 5 मिनट और पकाना पड़ेगा, बट इसी तरह से चलाते हुए लगातार। अगर हम इसको बीच में रोक देंगे तो इसमें गुठलियाँ और लम्स पड़ जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैं इसको लगातार चला भी रही हूँ और ये पक रहा है। अब ये कंसिस्टेंसी लगभग होने वाली है परफेक्ट। तो देखिए इतना गाढ़ा हो गया है। अब इस समय मैं इसमें एक चम्मच ऑलिव ऑयल डालूंगी, और उसको अच्छे से मिक्स करते हुए देखेंगे कि ये बैटर लगभग तैयार हो गया है।
तो अब मैं इसमें थोड़ा सा जो लेमन, इसका जो पील है, छिकल होता है जो ऑरेंज का, उसको भी क्रश करके डाल दूँगी, तो ऑरेंज की जो फ्रेशनेस है वो उसमें बरकरार रहेगी। और इसको भी अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट और पकाएंगे, और ये मिक्स हमारा रेडी हो गया है सेट होने के लिए। तो इसको अब हम एक बोल में निकालेंगे। तो बोल में निकालने से पहले हमें बोल को ग्रीस करना पड़ेगा, वो आप घी से, बटर से, ऑलिव ऑयल से, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। मैंने बोल को ग्रीस कर लिया है और उसमें मैंने नीचे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं। अब मैं इसमें सारा बैटर ट्रांसफ़र कर दूँगी और उसी बैटर को अच्छे से दबाकर ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें। आप जिस तरह का भी बर्तन लेना चाहें उस तरह के बर्तन में, चाहे ट्रायंगल हो या फिर चौकोर टिन हो, केक टिन हो, कोई छोटी कटोरी हो, आप जिसमें करना चाहें उसमें इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। तो मैंने इस बोल में लिया है करने के लिए। और बस एक चीज़ है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो तो देख रहे हैं बट आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने का और काम करने का। आपके साथ के साथ मैं भी कुछ अच्छा करती रहूं, इसलिए आपको कुछ कमेंट्स और कुछ लाइक्स मुझे देने होंगे। बस फिर मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज देती रहूंगी। तो देखिए हमारा ये बनकर तैयार हो गया है, मैंने इसको डेकोरेट भी कर दिया है। अब इसको सेट होने के लिए 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे हम, और ये जब तक पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता तब तक ये सेट नहीं होगा। और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब इसको फ्रिज में रखकर भी आप सेट कर सकते हैं। तो फ्रिज में रखकर सेट करने से क्या होगा, ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा, क्योंकि ये पुडिंग का ही एक दूसरा रूप है। तो पुडिंग वगैरह तो वैसे भी फ्रिज में रखकर बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसको आप डिमोल्ड करने के लिए एक प्लेट लेंगे, उल्टा रखेंगे इस कटोरे पर और उसे पलट देंगे, और इसको एंजॉय कीजिए। तो मैं चलती हूँ, बाय।